लीडरशिप पार्ट टू थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं, उसका दूसरा भाग जिसमें आज हम पढ़ेंगे सिचुएशनल थ्योरी या स्थिति परक सिद्धांत। इसको हम परिस्थिति परक सिद्धांत भी कहते हैं, परिस्थिति या सिचुएशन। इसका जो मुख्य मीनिंग है अर्थ समझो, स्थिति परक अर्थ समझो। इससे पहले हम सिद्धांत की बात बाद में करेंगे, पहले स्थिति परक अर्थ। हम ह्यूमन बिहेवियर एक ऐसी है जिसमें हम हर स्थिति में, कैसी भी स्थिति हो, हर स्थिति में अलग अलग व्यवहार करते हैं। ऐसा है कि हम स्थिति के अनुसार व्यवहार करते हैं, ऐसा है कोई बताओ मुझे, या नहीं सिचुएशन के हिसाब से व्यवहार करते हैं। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल आपको मैं देता हूं, मान लिया जाए दोस्तों के साथ आप हो, तब बर्थडे मनाना है, तब देखो अंदाजा क्या होगा, सारे क्रीम कुछ बोल देंगे। टीचर के सामने बर्थडे मनाना हो तो सब हैप्पी बर्थडे, पेरेंट के साथ मनाना हो आपका व्यवहार अलग होगा, यू सबसे पहले यू पुट द केक इन योर मदर्स माउथ, माँ को खिलाओ। देखो व्यक्ति वही है, स्थिति वही है, सिचुएशन काम क्या है वही है, लेकिन इन्वायरमेंट बदल गया है। ये है स्थिति पर बिहेवियर, सिचुएशनल बिहेवियर। अलग अलग सिचुएशन में हम अलग अलग व्यवहार करते हैं, ठीक है, समझ गया आपकी बात। और ओवर एग्जाम्पल दो आप, क्लियर हो गया मतलब, स्थिति परक का मतलब क्या, अलग अलग स्थिति में व्यक्ति वही होता है लेकिन व्यवहार हम अलग अलग करते हैं। वो थप्पड़ मारने वाला देखो ना, दोस्त थप्पड़ मारे तो अलग व्यवहार है, टीचर मार दे तो अलग व्यवहार है, माँ मार दे तो अलग व्यवहार है, प्रिंसिपल से मार दे तो अलग व्यवहार है ना, है व्यवहार। ये स्थिति परक जो व्यवहार हमारा यही है, और इसी के संदर्भ में आज हम डिस्कस करेंगे स्थिति पर सिद्धांत यानी सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। नेतृत्व जो है, लीडरशिप को डिफाइन किया गया है कि व्यक्ति क्यों नेता होता है, क्यों उसके अंदर नेता कोई नेतागिरी के गुण होते हैं, ठीक, तो वो क्यों का जवाब दिया जाता है इन सिद्धांतों के माध्यम से। पहले हमने पढ़ा था ट्रेट थ्योरी, पढ़ी थी विशेषता सिद्धांत पढ़ा था, टूडे वी आर स्टडी सिचुएशन। नेक्स्ट, इस पहले हम देखते हैं इसमें तो स्थिति पर सिद्धांत दृष्टिकोण या उपागम। आपको मैंने कल भी बताया था, अगर आपके पेपर में लिख कर ये आता है स्थिति पर सिद्धांत की व्याख्या करो, या स्थिति पर दृष्टिकोण की व्याख्या करो नेतृत्व के, या उपागम की व्याख्या करो, तीनों चीज एक ही है, इट कैरीज सिमिलर मीनिंग। अब इसका अर्थ क्या होता है, मैं ये स्थिति पर सिद्धांत नहीं है, ये स्थिति पर सिद्धांत का अर्थ होता क्या, पहले तो आपको समझो, सबसे पहले उस चीज को आप समझो, ठीक है, और वो क्या चीज है। मैंने आपको बताया था स्थिति पर परिस्थिति बोल सकते हैं सिचुएशन, परिस्थिति दृष्टिकोण को स्थिति की मांगों के अनुसार, यहां पर एक पॉइंट है भाई, स्थिति की मांग डिमांड्स ऑफ द सिचुएशन। आप जिस स्थिति में रह रहे हो, जिस स्थिति में पढ़ रहे हो, उस स्थिति की कुछ मांग होती है, होती कि नहीं होती, बताओ आप मुझे। एवरी सिचुएशन हैज सर्टेन डिमांड्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड्स वी बिहेव। बताओ इस बात का मतलब आपको समझ आया क्या है, हर स्थिति की कुछ मांग होती है और मांग के अनुसार ही हम अपना व्यवहार करते हैं। आप मुझे बताओ मांग कैसी, क्लासरूम है, ये एक क्लासरूम सिचुएशन है, कक्षा की एक स्थिति है, इस स्थिति की एक मांग है आपसे, एक डिमांड है, क्या डिमांड है, कि आप मेरे साथ इंटरेक्ट करो, शांति जो मैं कह रहा हूं उसको सुनो, उसके बाद उसके ऊपर प्रश्न रेज करो, आप उन प्रश्नों के जवाब भी हम ढूंढेंगे एक दूसरे से मिलकर, इंटरेक्टिव सेशन हो। क्लास में एक स्थिति है, ये स्थिति ये डिमांड करती है कि आप यहां पर आए हो, कुछ सीख कर जाओ, आप समझे ये स्थिति। दूसरी स्थिति देखो, आप दोस्तों के साथ जा रहे हो, ठीक है, आपके दोस्त पिंडी को किसी कुत्ते ने पकड़ लिया, अजीब, उस स्थिति की क्या डिमांड है, उस स्थिति की ये डिमांड है कि आपके ये डिमांड है क्या कि नहीं शांति से खड़े रहो, अहिंसा के दूर खड़े रहो, कुत्ते को करते रहो, ये डिमांड उस स्थिति की क्या डिमांड है, उसको लट मारो, पूछ पकड़ किसी कुत्ते उठा कर फेंको, किसी तरह से अपने दोस्त की पिंडी जुटाओ उससे, समझे आप ना, ये है स्थितियों की डिमांड, स्थितियों की मांगे, सिचुएशनल डिमांड्स होती है। पेपर में आप बैठे हो, एग्जामिनेशन डिमांड ऑफ द सिचुएशन, सिचुएशन की डिमांड है कि शांति का माहौल हो, जो मुझे याद है बढ़िया से इसको लिखूं,
बेस्ट मुझे अच्छी स्कोरिंग हो, अपने विचारों को अच्छे से व्यक्त कर दो, टेंशन डिमांड को ठीक है। आज कल जैसे ये लोग कह रहे थे कि आज कल सबसे बड़ी हमारे हरियाणा में डिमांड है नर्मदा तो पूरी की, हमारा तो माहौल है, स्थिति बता रही है कि हमारे यहाँ पर नर्मदा तैयार हो गया भाई, अगर आप नहीं उनके इकट्ठा करेंगे तो आप धरता शुरू हो जाएगा, किसान की मेहनत खराब हो जाएगी। दिस इज द नोन एज द सिचुएशनल डिमांड। अब आप मेरी बात समझे कि नहीं, कितने सारे एग्जाम्पल दिए हैं, स्थिति स्थिति का दृष्टिकोण को स्थिति की मांगों के अनुसार व्यवहार में व्यवहार अल्पकालिक अल्पकालिक को बताओ क्या कहते हैं, अल्प से बता आपने शॉर्ट बढ़ा दिया ना, आई वॉज एक्सपेक्टिंग शब्द आएगा आपसे आएगा आपको बताया सर, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है अल्पकालिक, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन यहाँ पर दूसरा और बताओ, इट यू आर राइट, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है अल्पकालिक, और बताओ कम आउट बताओ आप, मैंने बताया इंटरेक्शनल होना चाहिए सर, कुछ तो बोलो आप, तुक्के मारो, टी से शुरू होता हो, टी से वर्ड शुरू होता है, वाई से खत्म होता है, वाई से खत्म होता है, दूसरा वर्ड ई है, टेक्निक, तो पहला वर्ड टी, दूसरा वर्ड ई, आखिरी वर्ड वाई, तीसरा वर्ड एम, टेम्परेरी, टेम्परेरी जिसमें व्यवहार में टेम्परेरी बिहेव में संशोधन मॉडिफिकेशन, टेम्परेरी कुछ समय के लिए व्यवहार का अल्पकालिक संशोधन होता है या अनुकूल, अनुकूल होता है अडेप्टेशन, अडेप्टेशन का मतलब समझते हो, अनुकूल नहीं अडेप्टेशन नहीं पता, देखो ये जब तक आपको मैं क्लियर बताता हूँ किसी भी विषय में तक, टिल द टाइम यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स तब तक आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। अनुकूलन एयर कंडीशन, वातानुकूलन सिचुएशन के अनुसार आपको बदल जाना है, उसके अंदर ढल जाना है, अनुकूलन ठीक है, समझ आते हैं अनुकूलन का मतलब क्या है, यही है। अब आप देखो व्यवहार में अल्पकालिक थोड़े समय के लिए संशोधन होता है, उसमें बदलाव आता है, मॉडिफिकेशन होता है और अनुकूलन द्वारा परिभाषित किया जाता है, ये है इसकी बात, यानी कि इस पूरे लाइन को मैं बताता हूँ, जो प्रस्थिति दृष्टिकोण सिचुएशनल थ्योरी ये कहती है कि स्थितियों के अनुसार सिचुएशन के अनुसार व्यक्ति के अंदर टेम्परेरी बिहेवियर मॉडिफिकेशन आता है और व्यक्ति उसमें अडेप्ट हो जाता है, यह आप समझ गए। सो आप देखेंगे कि आप खुद ही आम को बड़े चाव से खाने वाले व्यक्ति हैं, आम बड़े मजे से खाते हैं, मिल जाएगा गुठली को भी अकेले में बैठ के, सी कंडीशन। अब आपको बता दो एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं, मजा आता है, बट वेन यू गो आप जो है यू कम टू किसी पार्टी में जा रहे, बढ़िया यहाँ पर ड्रेसअप किया हुआ है और वहां पर आम रखे हुए, आलू सी कंडीशन क्या हुआ, चाकू उठाओगे तो काट के गुठली रख तो दोगे लेकिन मन नहीं करेगा, लेकिन वहां पर क्या फिर अगली बार तो घर पे आप आओगे वही आम मिलेगा आपको, तो आप ड्रेस में बॉर्डर जाए बाहर में पहले लेट अस चेरिश द स्वीटनेस एंड उसका अरोमा ऑफ द मैंगो, वो क्या होता है देखो उस स्थिति में जब उस पार्टी में आप गए हो तो उस स्थिति में आपके व्यवहार में टेम्परेरी बदलाव आया और उस स्थिति के अनुसार आप अडेप्ट हो गए, अनुकूलन हो गए, आप समझ रहे हैं ये मीनिंग का, यानी कि हम प्रस्थिति दृष्टिकोण को स्थिति की मांग के अनुसार व्यवहार में अल्पकालिक संशोधन अनुकूलन द्वारा परिभाषित किया जाता है, दूसरे शब्दों में यह एक प्रकार का व्यवहार में लचीलापन होता है, लचीलापन बताया ना उड़ जाए बदल जाए, व्यवहार में लचीलापन होता है जहां एक व्यक्ति परिस्थितियों से निकलते संकेतों के माध्यम से अपने व्यवहार में संशोधन करता है, ये क्या होता है परिस्थिति निकलते संकेत क्या होते हैं, परिस्थिति निकलते संकेत ये है कि आप जैसे यू आर मूविंग आउटसाइड, आप जा रहे हो और बढ़िया से आपने ड्रेस पहन रखी है और एकदम से बादल इकट्ठा आ गया, क्या होगा परिस्थिति में संकेत दे रही है, देर में भी हैवी रेन बहुत तेज बारिश हो सकती है, बारिश होकर सारे आपके ड्रेस यू ट्राई टू रेज समथिंग, ये संकेत इंग्लिश में एक्सप्लेन करो किसी के लिए, मीनिंग ऑफ सिचुएशन अप्रोच अभी डिस्कस करें थे। अब आगे हमारा असली बात आती है परिस्थिति सिद्धांत यानी दृष्टिकोण या उपागम, ये होता क्या है, जो मैंने बात बताई ना वही है, उसको पहले मैंने अर्थ समझाया था, अब इस लीडरशिप का जो नेतृत्व का परिस्थिति सिद्धांत ये क्या कहता है, लचीलेपन के साथ अनुकूलन, यू आर फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टिव टू इस
सिद्धांत का अंतर्निहित केंद्रीय घटक होता है। इस सिद्धांत का, इस थ्योरी का, सिचुएशन थ्योरी का जो बेसिक चीज है, केंद्रीय घटक मुख्य बात इसकी जो है, इसका जूस इसको आप कह सकते हो, वो होता है लचीलेपन के साथ अडेप्टेशन विद फ्लेक्सिबिलिटी। डॉक्टर पॉल हर्शियो के ब्रेंकर ने 1969 के नाम पर इसके सिद्धांत का जो है हर्शी ब्रेंकर नेतृत्व सिद्धांत इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोनों व्यक्तियों ने मिलकर इस सिद्धांत को विकसित किया। हर्शी एंड ब्लेंकर, हर्शी ब्लेंकर या ब्लेंचर जिसमें लिखा हुआ है परिस्थिति नेतृत्व सिद्धांत, और कोई ये दोनों देखो जो साइंटिस्ट के रहे हैं, इन दोनों ने इनके नाम है हर्शी और ब्लेंकर। परिस्थिति आपको पता है नेतृत्व लीडरशिप और सिद्धांत नाम मुश्किल नहीं है, इसके नाम से जाना जाता है। और जब इस शुरुआत में थ्योरी उन्होंने दी थी 1969 में, जब इन्होंने सिद्धांत को दिया था, तो इसको उस समय कहा जाता था नेतृत्व का जीवन चक्र सिद्धांत, लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ लीडरशिप, इसको पहले 1969 में ये कहा था। 1970 में इसका नाम बदल बदल कर परिस्थिति सिद्धांत दिया गया, नेतृत्व का सिचुएशनल थ्योरी ऑफ परिस्थिति सिद्धांत। परिस्थिति परक नेतृत्व का अर्थ होता है सही लोगों के लिए सही नेतृत्व शैली का चुनाव। यहां का उद्देश्य ब्लेंकर और हर्शी और ब्लेंकर कहते हैं कि सही लोगों के लिए सही नेतृत्व का चुनाव। अब आप देखो, आप यहां यू आर ए यंग स्टूडेंट्स, आपके समय नेतृत्व की जो जरूरत है आपको लीडरशिप की अलग है। वही पर एक बच्चों का ग्रुप हो, 5-5 साल के छह साल छोटे प्यारे बच्चे घूम रहे हो और 10-12 उनके साथ आप खेलना चाहोगे, क्या मैं ये समझाऊ उनके समय उनका अलग से बात, उनके समय उनके जैसे बात करनी पड़ेगी। सिचुएशन के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से नेतृत्व शैली का चुनाव करना ही ये सिद्धांत है, ये आपके कॉलेज। यानी जैसी आपकी स्थिति है उस स्थिति के अनुसार इस प्रकार की नेतृत्व शैली हमें वहां इस्तेमाल करनी है, वही परिस्थिति है नेतृत्व सिद्धांत का। इस सिद्धांत के अनुसार सबसे अच्छी नेतृत्व शैली वह होती है जो तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप हो। अब आप एक यंग बच्चों के ग्रुप में हो, आप बुजुर्गों के हो, आप घर में कोई फंक्शन का माहौल हो, आप किसी पार्टी में हो, या कहीं पर किसी की मृत्यु हो गई, उसमें एक्सीडेंट हो गया हो, वैसी जैसी स्थिति हो वैसी नेतृत्व शैली अपनाई जाए, वही बात है सिद्धांत, वही बात है। कोई फिक्स नहीं है इसमें, ना ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है, ना डेमोक्रेटिक लीडरशिप है, ना लिसिस फेयर है, ना सिचुएशनल है, कुछ नहीं है इसमें। जैसी स्थिति वैसा सिद्धांत, यह सिद्धांत परिस्थिति की जटिलता को ध्यान में रखते हुए नेतृत्व शैली के चुनाव पर बल देता है कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन को ध्यान रखते हुए सिचुएशन कैसी है और उसी के आधार पर हमें नेतृत्व शैली का चुनाव करना है। इस प्रकार की शैली का सबसे अच्छा उदाहरण स्पोर्ट्स टीम में होती है। स्पोर्ट्स टीम होती है जहां पर तेजी से बदलते घटनाक्रम के अनुसार नेतृत्व शैली का चुनाव होता है। आप देखो एक हॉकी की टीम खेल रही है, क्रिकेट की टीम खेल रही है, मान लीजिए अभी आपको एग्जाम्पल क्रिकेट बहुत ज्यादा देख रहे हो, उसका एग्जाम्पल हम दे देते हैं, फुटबॉल का एग्जाम्पल आप देखे, देखो फुटबॉल की टीम खेल रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है आगमपुर की और दरोली के साथ मैच हो रहा है, दरोली वाले बिल्कुल ठुस, बिल्कुल ऐसी इस टाइप से बहुत अच्छे प्लेयर नहीं है, क्या करोगे आप, चलो यार खेले थे 2-4 बॉल रन मार के ऐसे कैच भी खेलो। वहीं पर आपने एक मुकाबला हिसार की टीम के साथ, तब देखो नेतृत्व शैली बड़ा आपको बदलना पड़ेगा ये, और गेम खेलते वक्त भी कभी अग्रेसिव होना पड़ता है, कभी डिफेंसिव होना पड़ता है, कभी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, कभी आपने देखा टीम में कैसे गेम खेला, क्रिकेट में देखो क्रिकेट में खेल तो कभी 162 का मिला था पाकिस्तान के, बड़ा आसानी से हराते थे, समटाइम्स यू विल फाइंड कि स्कोर 350 होता है, उस बात की छक्के छक्के धराम मार धार शुरू हो जाती है, आउट हो जाए, अब देखा ना अग्रेसिव स्टाइल खेलते हैं। तो स्पोर्ट्स टीम के अंदर ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जहां पर परिस्थिति पर सिद्धांत या सिचुएशनल थ्योरी वहां पर अपने को दिखाई दे। नेक्स्ट, नेतृत्व शैली का चयन तत्कालिक कार्य इमीडिएट काम क्या है, ये जो फैक्टर्स यहां दिखाई जा रहे हैं ये बता रहे हैं कि कब हम सिचुएशनल नेतृत्व परिस्थिति पर शैली का चुनाव करते हैं, कब करते हैं, किसके आधार पर किया जाता है, कब कौन सी नेतृत्व शैली इस्तेमाल होगी, वो किस आधार पर किया जाएगा। सबसे पहले तत्कालिक कार्य इमीडिएट काम क्या है, और जब इमीडिएट वर्क टास्क स्थिति से उत्पन्न संकेत कैसे संकेत हमें दे रहे हैं उसके आधार पर नेतृत्व शैली होगी। समूह का व्यवहार कैसा है, आज आपका समूह का व्यवहार अच्छा नहीं है, आप लड़ने के मूड में हो, कहीं कोई गंगा हो गया बाहर और मैं आपको अहिंसा का पाठ पढ़ाऊं, सर आप क्या करोगे, सर 5 मिनट हो गया उधर रोज लेकर शुरू करते हो, आज हम बात कर लो आपसे बात बात करें, सिविल से दैट
क्योंकि स्थिति अलग है, समूह का व्यवहार, समूह का आकार, अगर समूह छोटा है और समूह बड़ा है उसके हिसाब से भी सदस्यों के बीच समन्वय का स्तर यानी आपके बीच कोऑर्डिनेशन कैसा है, सदस्यों की जरूरतें डिमांड्स ऑफ फोर्स क्या क्या उनकी नीड्स है, वो सदस्यों और नेता के बीच संबंध, नेता और सदस्यों के कैसा संबंध है, कार्य की जटिलता का स्तर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द वर्क कितना मुश्किल और कितना आसान काम है, समूह के नेता के सदस्यों पर नियंत्रण, नेता की बात पर कितना मरने को तैयार हो जाते हैं लोग, ऐसा नियंत्रण कितना कंट्रोल है, सदस्यों की परिपक्वता का स्तर कितनी मैच्योर है सदस्य, अनुयायियों की क्षमता और प्रतिबद्धता यानी जो सदस्य है आप कितने प्रतिबद्ध है, अगर कोई बात आपको फायदे तो आप उस काम को कमिटेड कितने हैं उसको पूरा करने के लिए, तथा स्थिति की मांग, स्थिति क्या मांग करती है, आदि पर निर्भर करता है, क्या निर्भर करता है, इतनी सारी बातें मैंने बोली, क्या निर्भर करता है, नेतृत्व शैली का चयन कि कौन सी स्थिति में कौन सा नेतृत्व का इस्तेमाल करना, कौन सी शैली इस्तेमाल करनी है, वो इन सब बातों पर निर्भर करती है। अगर मैंने पॉइंट वाइज बनाए तो स्लाइड बड़ी होती है, मैंने ऐसे बनाया इसको, तो आप समझ सकते हैं दीज आर सर्टेन फैक्टर्स ऑन विच ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी लीडरशिप स्टाइल को चुनेंगे। ये सिचुएशन थोड़ी ये बताना था। अब कुछ विशेषताएं सर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिचुएशनल थ्योरी यानी परिस्थिति पर नेतृत्व शैली की कुछ विशेषताएं आप देखें। जो नेता सिचुएशनल शैली नेतृत्व शैली का इस्तेमाल करता है उसके अंदर कुछ विशेषताएं पाई जाती है। पहली विशेषता अंतर्दृष्टि इनसाइड होती है उसके अंदर, यानी नेता अपने अनुयायियों की जरूरतों को समझने में सक्षम होना चाहिए। मान लिया जाए हम एक ग्रुप के हैं और मैं भाषण दे रहा हूं सुबह से लेकर और एक बजने वाला है, आपकी हालत खराब हो रही है, भूख प्यास से हालत खराब हो रही है, किसी को टॉयलेट जाना है और मैं भाषण वाषण चाड़े जा रहा हूं, क्या होगा, आप सुनोगे, ध्यान तो हो रहा है, कब छोड़े यार, पता नहीं क्या होगा। ऐसी स्थिति में नेता के अंदर अंतर्दृष्टि होनी चाहिए, हाँ आवाज में भूख ठीक हुई, अब क्या होगा, थक गए चलो थोड़ा रेस्ट कर जाओ, ये अंतर्दृष्टि मतलब आपकी जरूरतों को भाप जाना चाहिए उसके साथ। लचीलापन, लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सीबिलिटी होनी चाहिए व्यवहार में कि भाई आज किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, कि अगर आज ऐसी स्थिति है तो आप देखोगे कई बार हमें लचीले हो जाते हैं, होते देखे हम लेकिन कई बार बच्चे उल्टा बोल जाते हैं, सर आपको देख ले, हमें मजाक में कहते चल मैं देख लेना, हमें मुझे पता है कि दैट यंग बॉय इज फुल ऑफ जोश, उसके अंदर जोश है, अभी गुस्से में, फिर थोड़ी देर घटने पा जाएगा, सर सॉरी मैंने आपको देखे दे, मेरे कोई बात नहीं बेटा, ऐसा होता है, ये लचीलापन, वहां हार जाऊं मैं प्रोफेसर मुझे ऐसी बात कहीं कहते हैं मुझे लफड़ा हो जाएगा ना, मुझे लफड़ा हुआ वो भी लट लेके आ जाएगा, मैं अभी शुरू हो गया, तो फिर अंतर क्या हुआ, दिस मीन्स एक नेता के अंदर लचीलापन होना बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी, भरोसा अनुयायियों का अपने नेता पर भरोसा, अगर कोई नेता आपको कुछ बात कहता है तो आपको उसको भरोसा होना चाहिए कि वाकई में ये बात काम कर देगा नहीं कर देगा, और हमारे अंदर जब तक भरोसा नेता और अनुयायियों में भरोसा नहीं होता है तब तक वो नेता नहीं होता। तो सिचुएशनल जो शैली है उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि अंतर्दृष्टि हो नेता में, लचीलापन हो उसके व्यवहार में हो, और दोनों के बीच में एक दूसरे पर भरोसा हो, तीसरी समस्या समाधान, कोई प्रॉब्लम आ जाए दैट लीडर शुड बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, उसके अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए, नहीं तो क्या करेंगे लोग अगली बार मौके देंगे, ये सही। एंड द लास्ट इज मूल्यांकन करता लोगों की परिपक्वता पर, यानी कितने वो मैच्योर है, कितनी उनकी एबिलिटीज है, उन सब का मूल्यांकन, बिल्कुल सटीक मूल्यांकन करने का गुण होना चाहिए। आप देखोगे ग्रुप्स में आप जब जाते हैं तो कुछ लोगों को लोग छांट लेते हैं, तुम आ जाओ दोनों एक करना, क्योंकि मूल्यांकन कर लेते हैं कि ये लड़का या लड़की जो है काम कर सकते, बाकी दर्शी है वो करने वाले। आपने राजनीति पार्टी देखा हो ना, छांट लेते हैं कि कोई ना कोई ऐसा स्पोक्समैन बनाएंगे, कोई ऐसा लीडर छांट के बनाएंगे जो बहुत सारे जो स्थिति को संभाल ले, क्योंकि वो सब किस चीज से होता है, नेता के अंदर मूल्यांकन की एबिलिटी होती है कि ये लड़का पढ़ सकता है या पढ़ नहीं सकती, मान लिया मैं कुछ काम लेकर दे दू दो चार पेज लिख रहे एक तो मुझे पता लग जाएगी हाँ ये तो कर सकता है, और उसको दे दिया, हुआ क्या, जहां कुछ लिख रहा था हिंदी में, अंग्रेजी में, अंग्रेजी में हिंदी में, रखो जैसे स्याही नहीं जो है ना चिट्ठी को भिगो के छोड़ दिया श्राइटिंग में। मूल्यांकन करता उसकी जो नजर पहनी होनी चाहिए, मानसिक जो उसकी नजर होती नेता की उसकी जबरदस्त नजर पहनी होनी चाहिए ताकि वो मूल्यांकन कर ले कि हमारे एरिया कितनी परिपक्व कितने मैच्योर, ठीक है। तो
बस इसी एक चीज और लाभ, इस शैली का लाभ क्या क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी, क्या क्या लाभ इसके। सबसे पहले देखो लचीलापन होता है, एक कारण क्या होता है कि विफलता की संभावना कम होती है, अगर आपका व्यवहार में लचीलापन है तो लीडरशिप की विफलता की संभावना काफी कम होती है। दूसरा देखो एक प्रकार की शैली, अगर हम रोज एक ही तरह से पढ़ाए तो क्या होगा, बैठते ही मोनोटोनी हो जाती है, तो ऊब की जो समस्या होती है क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से है, आप यहाँ पे कुछ और लीडरशिप हो बाहर कुछ और लीडरशिप है तो आपको पता है कि बदलता जाएगा, ऊब मोनोटोनी कम होती चली जाएगी। एक शैली में जो कमियां हो ये उसको दूर कर देती है, क्योंकि एक शैली आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं बाहर दूसरे शैली इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ की जो कमी बाहर नहीं जाएगी, आप समझे इसको। तीसरा यह शैली नेता को वास्तविक समय के आधार पर सोचने के लिए प्रेरित करती है कि रियल टाइम पर अब एक्चुअल में क्या हो रहा है, फिलोसफी में बहुत कुछ लिखा कि आपको कि लीडरशिप परेशान होना चाहिए, नेताओं को ऐसा होना चाहिए, नेताओं को बहुत कूल होना चाहिए, अब ठंडा होना चाहिए नेताओं को, उनकी बात सुननी चाहिए, उन्हीं में लट बता वो आपस में नेता कूल खड़ा रहेगा उनके सिर फूट जाएंगे, तो उसके लिए क्या है फिर बीच में बीच बचाव करना है, यानी कि रियल टाइम बिहेवियर वास्तविक समय के अनुसार उसका व्यवहार होना चाहिए, और आप देखें यह शैली उपयोग करने और अभ्यास करने में आसान है। These were the advantages and let us see the disadvantages. इसकी कुछ कमियां भी है, ऐसा नहीं कि मैंने जो है इसको चढ़ा दिया और कम बता के इतना फायदा, there are some disadvantages. देखो सबसे पहले इसमें क्या होता है, आदमी जो इमीडिएट गोल होते हैं उन्हीं पे ध्यान देता है, जो मुख्य लक्ष्य है कई बार उसे भटक जाते हैं, क्योंकि स्थिति के अनुसार नेतृत्व शैली इस्तेमाल की जाती है, उसके बाद उनका क्या होगा जो मेन मुख्य लक्ष्य से आप उससे भटक जाएंगे, ठीक। मतलब ये स्थिति आज आपकी स्थिति बोरिंग है, आज पढ़ने का मन नहीं रहा, आप खेल के आए हो चलो छोड़ो गया नहीं पढ़ कहेंगे, चलो टीचर भी खुश चलो नहीं पढ़ा, सिचुएशन के हिसाब से काम तो ठीक है आपका, कल भी आपको असर नहीं आप बर्बाद हो गया चलो नहीं पढ़ाते कल भी फिर ठीक है, और लॉन्ग टर्म क्या है रिजल्ट आएगा जरूरी आ गया, देखो क्या होगा ना वो भूल गए ना उसने, जिसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये होती है कि तत्कालिक लक्ष्य को जब उसका ध्यान होता है उसके चक्कर में जो दीर्घकालिक लक्ष्य होते हैं ना उस पर ध्यान कम हो जाता है ऐसी क्योंकि। नेक्स्ट देखो नेतृत्व शैली का चयन नेता के अवलोकन और निर्णय पर निर्भर करता है, ये फैसला कौन करेगा कि किस प्रकार का नेतृत्व करना है, ये फैसला लीडर करता है, वो सोचेगा व्याज जो है मेरी व्याज बच्चे नहीं पढ़ाते ऑब्जर्वेशन, हो सकता है मेरी ऑब्जर्वेशन गलत हो, देख मेरी व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन है ना उसके आधार पर कई बार गलत फैसला ले लिया जाता है, ठीक है। एक नेता द्वारा अनुयायियों की परिपक्वता स्तर को मापना, अब आप कितने मैच्योर हो मुझे क्या पता भाई, कैसे मापूंगा, कोई टेस्ट तो है नहीं, जैसे कोई दूध नापने वाला हो आपकी परिपक्वता में दूध की तरह नाप करोगे ठीक हो सकता है, तब तो बात बन जाए परिपक्वता भी मुझे अपने दिमाग से नापनी है, या किसी नेता को आपकी कैसे पता मैच्योरिटी, मैं मैच्योरिटी की बात कर दूं ऐसी और पता चलेगा आपके आपको जाकर कैप्टन शुरू, तो इतने मैच्योर नहीं हो, फिर आप ये बात करते हैं हुआ कभी ऐसा कि मैं ऐसा होता है कुछ बात कहते रहो बच्चों का सर आपने ऐसा कह दिया, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, यानी मैं परिपक्वता को नापना काफी मुश्किल होता है। और अंत में देखो नेतृत्व शैली में निरंतर बदलाव के कारण व्यक्ति में नेतृत्व से मध्य निपुणता नहीं होता, होता कभी कभी आप माने मैं खुद हूं आज साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूं कल मुझे कहते मैथ पढ़ाते फिर कहते इकोनॉमिक्स पढ़ाते फिर कहते फिजिक्स पढ़ाते फिर क्या होगा, आई एम जैक ऑफ ऑल ग्रेड मास्टर ऑफ ऑल ना मुझे मैथ आएगा फिजिक्स आएगा कुछ नहीं आएगा, ऐसा होता है ना, तो कोई भी है ना अलग अलग नेतृत्व शैली में लगातार वो अगर बदलाव करता रहता है तो किसी एक नेतृत्व शैली में वो निपुण नहीं होगा, ठीक है। चलो ये डिसएडवांटेज थी, अब देखो ये रेफरेंस ये पेज देखकर तुम बहुत खुश होते हो बड़ी खुशी मिलती है आपने आगे कोई बात नहीं, अगला व्याख्यान नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा इंटरेक्शनल थ्योरी, मैंने नई चीज ऐड करी है कि आपको पता चल जाए कि नेक्स्ट क्या इंटरेक्शनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। चलो नेक्स्ट आप मुझे बताओ ये हमारा सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप थी, कोई प्रश्न कोई डाउट आपको इसके बारे में, हमने कैसे पढ़ा सिचुएशन के इसका अर्थ हमने पढ़ा कि लीडरशिप क्या है ये पढ़ा, इसकी क्या क्या एडवांटेजेस है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज, ठीक है। कोई प्रश्न आपका फिर से पूछ रहा हूँ भाई, नहीं है ओके थैंक यू।